दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त नीरज कुमार कुंदुनी। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यंग उत्तराखंड। जिस तरह से मैं लगातार आपको उत्तराखंड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं और बहुत सारी जानकारी देता रहता हूं, तो उसी तरह से मेरा आज का वीडियो भी ऐसे उत्तराखंड से रिलेटेड है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, मगर हाँ, जिस तरह से मैंने जो चैनल बनाया है, इस चैनल के थ्रू मैं उत्तराखंड में जो भी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों के बारे में आप लोगों को जो है जानकारी देता रहता हूं और आगे भी जानकारियां देता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने एक पहल करी आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की, और जो भी जानकारी मुझे मिलती है या जो भी मेरे नॉलेज में जानकारी आती रहती है, इसी तरह से मैं आप लोगों के साथ जो है अपने इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन जो है आप तक पहुंचाता रहता हूं। इसी तरह का एक ग्रुप मुझे आज फेसबुक के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू जो है मैंने 2-3 प्लेटफॉर्म में उनको देखा और उन्होंने एक मैसेज किया है, और ये मैसेज भी एक तरह की पहल है कि उत्तराखंड में जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छी है, मगर जो वहाँ के सीएम हैं वो जो है अच्छा कार्य नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने जो है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है ये लेटर जो है लिखा है। लेटर दिखाने से पहले मैं आपको फिर दोबारा कहता हूँ कि ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये जो शब्द हैं इस लेटर के शब्द हैं, एक संदेश के शब्द हैं जो कि मैं आपके सामने जो है साझा कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि इन लोगों को जो ये लेटर जो इन्होंने लिखा है, ये एक इस तरह का लेटर है जिसमें ये लगता है कि जो इन्होंने पिछली बार उत्तराखंड के चुनाव में वोट दिया था वो एक मतलब प्रधानमंत्री के नाम पे वोट दिया था। इन लोगों को पता नहीं था कि मतलब राज्य में आने वाला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है मैं वो इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। तो देखिए ये लेटर को, जिस तरह से आप ये लेटर देख सकते हैं, इस लेटर में क्या लिखा है। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार, विषय उत्तराखंड हेतु बीजेपी और मुख्यमंत्री और बीजेपी कार्यकर्ता हेतु। महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार से है कि उत्तराखंड का विकास अभी तक कोई भी सरकार जो है नहीं कर पाई है, तो ये एक दुखद है। और सीधा इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो है आज की जो सरकार बीजेपी सरकार के जो कैंडिडेट सीएम हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री, इनको भी पॉइंट आउट किया गया है। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हाथ पे हाथ रखे बैठा रहेगा तो उत्तराखंड का जो विकास है नहीं हो सकता। और इन्होंने डायरेक्टली ये भी कहा है कि जो ये सरकार है और अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं, ये अपना बस हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं और कुछ भी ऐसा प्रोजेक्ट और ऐसा काम उत्तराखंड में नहीं कर पा रहे हैं कि जिससे उत्तराखंड का जो है विकास हो पाए। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार आई तो सिर्फ मोदी जी के कारण आई है। मोदी जी, आपने देश के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, मगर उत्तराखंड में कुछ भी ठीक नहीं है। और इन्होंने ये भी डायरेक्टली कहा है कि इन्होंने जो वोट दिया था मोदी जी को दिया था, और इन्होंने सोचा था कि मोदी जी अच्छे आदमी को डालेंगे, मगर साथ ही साथ इन्होंने ये भी कह दिया है कि मोदी जी देश में तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, मगर उत्तराखंड में जो है कुछ ठीक नहीं है। उत्तराखंड की 90% लोगों का कहना है, ये जो लेटर है ये बहुत ज़्यादा सर्वे करके किया गया होगा, मुझे नहीं पता है, मगर ये यही कह रहे हैं कि 90% लोगों का जो है ये कहना है कि उत्तराखंड प्राकृतिक खुशी वाला देश है। और उत्तराखंड प्राकृतिक का जो है नेचुरल चीज़ें, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो हम लोगों को जो है परेशानियों का जो है सामना करना पड़ता है, बहुत प्राकृतिक खुशहाली वाला जो है राज्य है। इस राज्य का विकास नहीं होगा तो उत्तराखंड जो है बहुत ही ज़्यादा पीछे चला जाएगा। इन्होंने कहा इस राज्य का ही विकास नहीं होगा तो ये जो राज्य है बहुत पीछे चला जाएगा। उत्तराखंड से बहुत लोगों का जो है पलायन कर जाना, राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में चले जाना, ये भी हमारे लिए जो है एक राज्य रोजगार की समस्या के कारण हुआ है।
जिस पे अभी तक कार्य जो है नहीं हुआ है। मोदी जी, जनता को कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, जनता को तो आप जैसे और योगी जैसे नेता की जरूरत है। आप इस बात ध्यान नहीं देंगे तो आप अगला चुनाव हार रहे हैं उत्तराखंड से। उन्होंने डायरेक्टली कह दिया है कि आप जो है कार्य अच्छा कर रहे हैं, योगी जी भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, मगर जो उत्तराखंड में जो कार्य हो रहा है वो नहीं हो रहा है अच्छे से। और इन्हें लगता है कि अगर इसी तरह से जो कार्य नहीं होगा, लोगों को परेशानियाँ होगी, लोगों को पहले जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इन्हें कुछ ऐसा चीज़ नहीं दिखेगा जिसकी वजह से हम लोग जो है उत्तराखंड में रोज़गार कर सकें। तो इन्होंने डायरेक्टली जो है चेतावनी दे दी है कि आप जो है आने वाले जो चुनाव हैं वो हार रहे हैं। और इसमें ये भी लिखा है कि कृपया इस पोस्ट को इतना शेयर करो प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए, प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की सरकार पर ध्यान दे और उत्तराखंड की मुख्यमंत्री से अनुरोध करेगी, यूपी के मुख्यमंत्री से कुछ शिक्षा या कुछ सीख ले। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह से जो है मतलब यूपी का जो विकास है अभी बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है, जो कि वो भी एक पुअर स्टेट है, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड स्टेट है, कुछ हो नहीं सकता वहाँ पर, वैसे कुछ नेचुरल चीज़ें नहीं है जैसी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में पानी की समस्या नहीं है, बिजली की समस्या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनिक चीज़ें उग सकती है, मगर जो है इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा तो लेटर में यही सब कुछ बातें थी। आप भी लेटर को पढ़ सकते हैं दोबारा। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।